नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको श्री शेम मुखेम नागरजा मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कहां पर ये मंदिर पड़ता है, कौन से गांव में पड़ता है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, मैं सारी जानकारी आप लोगों को शेम मुखेम की दूंगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के तहसील प्रताप नगर में स्थित है ये भव्य मंदिर। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शेम मुखेम नागरजा का मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है और मेरा बचपन भी इस गांव में बीता है। इस मंदिर का सुंदर द्वार 14 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नागराज के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी की धुन में विराजमान है, जो कि देखने में अति सुंदर लगता है। शेम मुखेम नागराज मंदिर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी माना जाता है। ये मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। ये माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयं भूशिला है। माना जाता है कि ये भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाई तरफ राजा गंगूरामोला के परिवार की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। शेम नागराज की पूजा करने से पहले गंगूरामोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात करें आप लोग यहां तक कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें अगर आप ऋषिकेश से शेम मुखेम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ऋषिकेश से चंबा नईटिरी वाली रोड से होते हुए लम्बगांव तक आना पड़ेगा, जो कि आपको 108 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। लम्बगांव एक छोटा सा कस्बा है। लम्बगांव से लगभग 33 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप लोग शेम मुखेम पहुंच सकते हैं। मुखेम गांव से 5 किलोमीटर आगे तलबला शेम आता है, जहां एक लंबा चौड़ा हरा भरा घास का मैदान है। किनारे पर नागराज का एक छोटा सा मंदिर है। परंपरा के अनुसार पहले यहां पर दर्शन करने होते हैं। यहां आसपास स्थानीय निवासियों की दुकानें हैं, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है। यहाँ से शेम मंदिर लगभग 2.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। घने जंगल के बीच मंदिर का सुंदर रास्ता है। शेम मुखेम गांव में हर तीसरे साल भव्य रूप से मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मेले को तिसाली यात्रा के रूप में यहां पर जाना जाता है। दूर दूर से लोग इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। शेम मुखेम का रास्ता हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मुखेम के आगे रास्ते में प्राकृतिक भव्यता और पहाड़ की चोटियाँ मन को रोमांचित करती है। रमोली पट्टी अत्यंत सुंदर है। रास्ते में श्रीफल के आकार की खूबसूरत चट्टान है। शेम मुखेम में घने जंगल के बीच मंदिर के रास्ते में बांज, बुरांस, खरसू, केदारपत्ती के वृक्ष हैं, जिनमें अत्यंत सुगंधित खुशबू निकलती है। शेम नागराजा मंदिर से अनेक प्रकार की कहानियां जुड़ी है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर दो कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण रमोला गढ़ी में आए तो उस समय वहाँ के गणपति गंगू रमोला थे और उन्होंने राजा रमोला से कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगू रमोला ने साफ इनकार कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राजा गंगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात गंगू रमोला ने इस शर्त पर श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार कर दिया कि वो एक हिमा नाम की राक्षसी का वध करेंगे, जिससे वह काफ़ी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल के लिए निकल पड़े। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ एक झूला झूलने वाला खेल खेलें। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार किया। जिस जगह पे झूला झूला गया उस स्थान पर एक विशालकाय पत्थर है, जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यह पत्थर ढांग ढूंढी का पत्थर नाम से जाना जाता है। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को शिरवाणी नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मुँह गिरा वो स्थान मुखेम नाम से प्रचलित हुआ। हिमा का पेट जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम तलबला शेम है। तलबला शेम की खासियत यह है कि जब आप तलबला शेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वो पेट की तरह कोमल लगता है और पेट की तरह ही हिलता डुलता है। और दूसरी कहानी में जब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को भूमि देने को कहा तो राजा रमोला ने प्रभु को एक इंच भी भूमि देने से मना कर दिया। प्रभु नाराज होकर पौड़ी चले गए।
भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गंगूरामोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए। तब राजा गंगूरामोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण का श्राप समझा और अपने पति राजा रामोला को प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा। और अपनी पत्नी के कहने पर राजा गंगूरामोला श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। जब उनकी ये आराधना सफल हो गई तब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रामोला को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान देने को कहा। बदले में उनको पुत्र प्राप्ति और उनके दुधारू पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गंगूरामोला मन से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 जगहों पर मंदिर बनवाया जो रातों रात टूटते गए। ये 6 मंदिर डुगडुगी सेम, शतरंजू सेम, गुप्त सेम, तलवला सेम, आरोणी सेम और बारोणी सेम के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा गंगूरामोला ने मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वें स्थान पर मंदिर बनाया तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गंगूरामोला की सभी गाय और भैंस दुधारू हो गई और उन्हें 2 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। राजा गंगूरामोला अच्छी तरह से प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति से परिचित हुए और उन्होंने आदर पूर्वक उनकी शक्ति को प्रणाम किया। जब राजा रामोला ने प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक जगह प्रदान की तो राजा रामोला के घर प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्रों ने जन्म लिया जिनका नाम सिधवा और विधवा था। आज भी कहा जाता है कि जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देती है तो कहा जाता है कि उस पर नागराज का दोष लग गया है और उस दोष को उतारने के लिए नागराज की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात वह पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराज देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गंगूरामोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था। जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक 3 साल में सेम मुखेम में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो कि मंगसीर माह के 11 गते को नवम्बर में लगता है। इस मेले के अनेक धार्मिक महत्व है, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति यहाँ पर रहती है। भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है जिसके की अनेक महत्व है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटक स्थल की वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।